न्यूजीलैंड में एक शख्स ने एक ही दिन में कोरोना वैक्सीन के 10 शॉट ले लिए। इस मामले में अब यहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच करवाने की बात कही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये युवक वैक्सीन लेने के लिए अलग अलग वैक्सीन सेंटर पर गया था। उसने वैक्सीन के डोज लेने के लिए पैसे भी दिए। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने भारी तबाही मचाई थी। यहां सरकार ने ऑकलैंड में 3.5 महीने का लॉकडाउन भी लगाया था। प्रधानमंत्री ऑर्डन ने कहा था कि सच्चाई ये है कि डेल्टा यही है और कहीं नहीं जा रहा। यहां प्रशासन ने नाइट क्लब, कैफे, सिनेमाघरों को पिछले महीने खोला था। ऑकलैंड में मास्क अनिवार्य किया गया था और निश्चित संख्या में ही भीड़ जुटाने की इजाजत दी गई थी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बार और नाइट क्लब में जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट को अनिवार्य बना दिया है। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश डेल्टा से पूरी तरह से लड़ पाने में सक्षम नहीं है। यहां 83% वयस्क आबादी को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। जब डेल्टा वेरिएंट पूरे जोर पर था तब ऑकलैंड में इस वेरिएंट के 150 केस मिले थे। हालांकि इसके बावजूद यहां प्रशासन ने वैक्सीनेशन कार्यक्रमों को देखते हुए काफी छूट दी थी। पिछले साल जब महामारी शुरू हुई थी तब न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जहां मृत्यु दर कम रही थी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।